तो ये देखिए भाई साहब, तो बताइए कैसा लग रहा है ये देखने में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपका भाई बनाने वाला है मटन की एक रेसिपी, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि मटन की एक रेसिपी को किस तरीके से आप बनाइए कि स्वाद काफी शानदार हो सकता है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। तो चलिए दिखाते हैं प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधे किलो मटन, जो कि आप क्वांटिटी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नली के पीसेस हैं, कलेजी के पीसेस हैं, और मैं प्याज की क्वांटिटी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 5 प्याज यूज़ करने वाला हूँ, और मिर्च की क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। आप देख सकते हैं प्याज मैंने किस तरीके से कट किया है, और मिर्च की क्वांटिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से। इसको बस लंबे लंबे में हाफ कट कर दीजिए। मटन के लिए यहाँ पे मैं 100 ग्राम के राउंड में तेल यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करूँगा। तो मसालों की क्वांटिटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये मैंने कुछ खड़े मसाले यहाँ पे ले रखे हैं, जो काली मिर्च है। इसको मैं थोड़ा रोस्ट करके इसमें मिक्स करूँगा, और 3 तेज़पत्ते के साथ मैं इसको डाल देता हूँ। जिंजर गार्लिक भी मैं इसमें लगाया डाल देता हूँ। मटन के पीछे थोड़ा चलाने के बाद आप डाल देते हैं। टेबल स्पून में हल्दी आ गए, नमक आ गए, जिससे भी थोड़ा सा पक जाए। और इसे दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ क्वांटिटी मैंने काली मिर्च के लिए रखी है, और थोड़ा सा जीरा ले रखा है। थोड़ा सा इसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट मत करिएगा, अदरवाइज ये जलने लगेगा। तो मैं फ्लेम इसका बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मैंने रोस्ट किया था वो मैंने मिक्स कर लिया है। अब स्वादानुसार जितना आपको क्वांटिटी चाहिए आप उसके हिसाब से इसमें मिलाइए, बहुत ज़्यादा मिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 पैकेट राजेश का मीट मसाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये 2 पैकेट मैं इसमें मिलाने वाला हूँ। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट करीब 20 मिनट हो चुके हैं इसको बनते, चिपकने लगा है। ये मैंने मीडियम ही कर रखा है जिससे कि बहुत अच्छे से हो जाए। और आज मैं थोड़ा सा ट्राई करने वाला हूँ इसमें, ये जैसे जैसे हो रहा मैं इसी में थोड़े से मसाले मिला देता हूँ। तो ये थोड़ा सा हो चुका है जिसमें मैं मसाले मिला देता हूँ। अब देखने वाला हूँ कि अगर मसालों को इसमें मिला के ये दूसरा पैकेट अब इसमें मिलाने जा रहा हूँ रोस्ट किए हुए मसाले, पूरा नहीं मिलाऊंगा, थोड़ा सा बस थोड़ा सा चेक करने वाला हूँ कैसा ये टेस्ट आता है कैसा है। अब इसको अच्छे से मिला दें। तो थोड़ी देर इसमें मैं पानी डाल देता हूँ, ये करीब आधे गिलास पानी, और इसको हल्का चलाने के बाद ढक देता हूँ। तो फाइनली 6-7 सीटी देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मटन हमारा यहाँ बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से धुआं उठ रहा है। और अब हम इसमें धनिया मिला के इसके स्वाद को और रंगत को बढ़ा देते हैं, करते हैं टेस्ट, बताते हैं इसके स्वाद के बारे में। हे दोस्तों, तो बन के तैयार हो चुकी है मेरी मटन करी, और इस मटन करी की रेसिपी को मैंने जो नाम दिया है वो दिया है पेपर मटन करी। तो ये देखिए भाई साहब, तो बताइए कैसा लग रहा है ये देखने में। शकल इसकी अच्छी लग रही हो तो हम इसको अपने प्लेट में पेश करें। और कहाँ गया वो पीस जो कि मेरा फेवरेट पीस है, नली वाला पीस, जो कि स्पेशली मैंने इसको अपने प्लेट में डलवाया था। और ग्रेवी की बात करें तो थोड़ा सा कलेजी के साथ में इसकी ग्रेवी भी लेना चाहूँगा इस पे डाल के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ये देखिए ग्रेवी, ग्रेवी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हो चुकी है, और इसका कलर देखिए ग्रेवी का कितना बेहतरीन लग रहा है। ओ भाई साहब एकदम मस्त मोटी मोटी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी। और ये रहा कलेजी का हमारा वो पीस, ओए होए 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 कलेजी ने तो एकदम कलेजा निकाल लिया है। और सैलेड के रूप में मैंने यहाँ पे तीन आइटम लिए हैं, प्याज की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ये दो प्याज है, दो टमाटर है, और मुझे मार्केट में मिल गई थी मूली तो मैंने मूली भी उठा ली। और चलिए खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है, तो एक टेस्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं कलेजी का टेस्ट लूँगा और इसके साथ थोड़ा सा इसको लोड कर देता हूँ ग्रेवी के साथ और एक बाइट में। तो तैयार है हमारी कलेजी। भाई साहब ग्रेवी ने तो एकदम समा बांध दिया भाई, पूरे मटन की एकदम जान है, समझ लीजिए ग्रेवी है। आपको यहाँ पे पीस दिखा दिए, नली वाला पीस आप देख। तो करते हैं इस नली वाले पीस को टेस्ट, इस पीस ने पूरी हड्डी छोड़ दी है, तो क्यों हम देर करें, थोड़ा सा इस पे ग्रेवी लोड करते हैं और इस ग्रेवी को टेस्ट करते हैं। एक नंबर, बहुत ही बेहतरीन। मसाले को जो मैंने रोस्ट किया था तवे पे, उसका जो फ्लेवर आ रहा है एकदम नेक्स्ट लेवल बना रहा है इस मटन को, लाजवाब। जल्दी से अब राइस की एंट्री कराते हैं और उसके साथ टेस्ट करके बताते हैं इसका फ्लेवर राइस के साथ कैसा आ रहा है। तो दोस्तों राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाइट राइस था, मैंने कुकर में ही इसको, जिसमें मैंने मटन बनाया था उसी में मैंने इसको डाल दिया था, तो हल्का सा इसमें पीलापन आ गया है। मसालों का जो फ्लेवर है वो इस पूरे राइस में फैल चुका है, तो मुझे लगता है कि इसका भी टेस्ट मसालों के साथ मिलने के बाद एकदम तबाही मचाने वाला है। तो मसालों के साथ मैं थोड़ा सा राइस लेता हूँ और इसको एक बाइट में टेस्ट करके बताऊँगा इसका फ्लेवर क्या है। एकदम तहलका भाई साहब, तहलका। जो टेस्ट आ रहा है मसालों के साथ राइस का, वो एकदम अद्भुत है, खाने का पूरा मज़ा ही बना दे रहा है भाई। रेसिपी एकदम लाजवाब है। थोड़ा सा इस पे एक पीस डालता हूँ और उसके साथ में टेस्ट कर। भाई साहब पीस आप देख सकते हो, पीस बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। लाजवाब। थोड़ा सा इस पे मैं पीस लेता हूँ और राइस के साथ टेस्ट करके बताऊँगा इसका फ्लेवर। अद्भुत है, रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। आप भी ये रेसिपी ट्राई करिए और टेस्ट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए फूड के साथ, कुछ नए रेसिपी के साथ। चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।